Finally back again in here. सारा बंद पड़ा सारा। यहाँ पे हमें फ्री पिक एंड ड्रॉप मिल लिया भाई से। 15 डिग्री टेम्परेचर वैसे दिखा रहा है पर कम लग रहा है। आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से चेन्नई, बाकी बातें रोड पे। गाइस दूसरी सवारी उठा ली है। ये हम लोगों का नाश्ता है, ऑन द रोड वाला नाश्ता। ये भी नहीं दिख रहा भाई, बहुत अंधेरा हो रखा है। हाँ जी, आज हम लोग खा रहे हैं जी नाश्ते में ब्लूबेरी जैम और बटर, और फ्लाइट में जाके खाना खाएंगे। 9 महीने बाद फ्लाइट में जाके विस्तारा का खाना। ये विस्तारा का खाना और कोविड वाले चेंजेस आपको विस्तार से बताएंगे एयरपोर्ट पहुंच के। अभी थोड़ी जल्दी में है, 6:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। 8 बजे की फ्लाइट है, चेक इन वेक इन कर ले, फिर आपको चीज़ें बताते हैं क्या कुछ बदलाव आया है। गाइस मंजिल के बहुत करीब, कितने महीने बाद ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, 9 महीने बाद फ्लाइट ले रहा। ये टनल आप निकल गए, मतलब आप एयरपोर्ट पहुंच गए। टर्मिनल T3 पे आ गए हैं दोस्तों, फाइनली। कितनी अच्छी खुशी हो रही है ये देख के। एक तो चेन्नई में वेदर ऐसा था, साइक्लोन था, मेरे को लग रहा था होगी भी कि नहीं होगी। एक बार चेन्नई पहुंच जाए तो फिर डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, बट एयरपोर्ट आ गए तो कंफर्मेशन एक तरीके से हो गई है। ओके भाई, बाय 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 बाय। बोर्डिंग पास आ गए जी। अब सबसे डिफिकल्ट काम लाइफ का, सिक्योरिटी को फेस करना। इतने महीने बाद ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये एड है, ये ब्रांड है, सब कुछ। बड़ा याद आया था ये सब। ये वो सारे महंगे ब्रांड्स हैं जिनसे आप कभी शॉपिंग नहीं करते। महंगा पेन, महंगे खिलौने, महंगे मेकअप, महंगे कपड़े जी। ये आज हम लोग इन फ्लाइट हमारा खाना है। राजमा चावल खाएगा, बिरयानी खाएगा? राजमा चावल। दो राजमा चावल ले लिए जी। देखो भाई कोविड के टाइम पे ये बदला है। पहले आप लोग राजमा चावल फ्रेश लेके खाते थे, अब इंस्टेंट वाली मील ली, कहीं से गर्म पानी का जुगाड़ करा और ये इन फ्लाइट हमारा खाना हो गया। वैसे तो विस्तारा की जो फ्लाइट है ना, वैसे उसमें खाना होता है, बट पता नहीं क्यों इस वाली फ्लाइट में इन फ्लाइट मील ली थी, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड, पता नहीं। तो भाई ऐसा हुआ, जो चेंजेस मेरे को दिखाई दिए ना एयरपोर्ट पे, वो जो सबसे पहले एयरपोर्ट में एंटर करा, जो वो स्कैन करते हैं ना, आपका कार्ड वार्ड स्कैन करते हैं, वो चीज़ें जो है ना बिल्कुल एक शील्ड आ गई है उनके बीच में और आपके बीच में, दोनों की सेफ्टी के लिए। तो आप उनको बस ऐसे दूर से अपनी आईडी और वो सब दिखाते हो फ़ोन से, या आपके पास प्रिंट आउट है, वो चीज़ है। दूसरा, आपके जो हैंड बैग है वो सैनिटाइज होते हैं, अंदर जाके आपके लगेज बैग सैनिटाइज होते हैं। जब आप सिक्योरिटी कर रहे होते हो तो सिक्योरिटी की जो बैग, जो जिनके अंदर आप सामान रखते हो ना, ट्रेज होती हैं, वो ट्रेज का साइज़ बढ़ गया है। और जो बंदा आपकी स्कैनिंग करता है उसके भी, वो जो स्कैनिंग ऐसे PPPP वाली स्कैनिंग करते हैं ना, उसका भी जो साइड, वो उसकी लेंथ है वो बढ़ गई, ताकि आपके और उसके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रहे। जैसे ये मार्क हो रखी है कि यहाँ पे मत बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट भीड़ जो है ना भाई, मतलब कम आबादी है, बट उसके अलावा भी मैं ऐसे सोच रहा था कि सब लोग ऐसे ही होंगे एयरपोर्ट पे, पर ये एक ही बंदा मेरे को ऐसा दिखा, इसके अलावा और कोई बंदा ऐसे नहीं है। ये दो लोग, अच्छा कैबिन क्रूज, अच्छा कैबिन क्रूज ऐसे हैं। अभी यहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं ना गेम में। हमारी फ्लाइट है 8:15 की, तो यहाँ पे देखते हैं आधे घंटे में हम लोग पहुँचते हैं, वेल इन टाइम है हम लोग। यहाँ पे हुआ है असली कोरोना का असर, फूड इंडस्ट्री पे हुआ है, सारा बंद पड़ा सारा ज़्यादा फूड कोर्ट यहाँ पे, ये रेस्टोरेंट, ये अरेबियन खाना, ये चाइनीज़ खाना, सब बंद है सब। यहाँ पे दिख रहा है कोरोना का असर भाई, बहुत बुरा असर पड़ा, बहुत बुरा। हाँ जी भैया, प्लेन कितनी देर में आ रहा है? सर 2-15 मिनट लग जाएंगे। ये है आलसी लोगों का ट्रेडमिल। नाउ बोर्डिंग, और हमारा गेट। आइए चलते हैं, प्लेन की सवारी करते हैं 9 महीने बाद।
ये हैं वॉकिंग गोल्स, लोग इंडिया गेट जाके वॉक करते हैं, ये वॉकिंग गोल्स मिस कर रहे थे हम लोग। सूट वूट पहना के इकोनॉमी को तो बढ़ावा मिल रहा है थोड़ा, पहले तो अलाउ ही नहीं कर रहे थे। टीवी ओए अच्छे हैं भाई, और बड़ी सारी चीज़ें हैं, और इसको यहाँ पे लीड लगाने के लिए ईयरफोन्स। लोग आजकल फ़ोन के डब्बे में डालना भूल जाते हैं, इन्होंने फ्लाइट में दे दिया। We are planning to cruise at 38,000 feet above mean sea level. It's going to take 2 hours and 25 minutes to reach Chennai. ये हमारा इंडिया का एमिरेट्स है। ये उन लोगों के लिए जो लोग ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह ना, ये वाली इंस्ट्रक्शंस सुनने छोड़ देते हैं, तो वो कह रहे हैं योगा कर लो आप। योगा करते करते बढ़िया सही प्रमोशनल बना रखा है। हर इंडस्ट्री का ना मनी शॉट अलग होता है, ये ट्रैवल इंडस्ट्री का मनी शॉट है। और ये 9 महीने बाद फाइनली बैक अगेन इन एयर। भाई साहब ये फीलिंग बड़ी मस्त है। बाय बाय दिल्ली, फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। कुछ नहीं, इतनी धूप पड़ी हुई, खाना आ चुका है, मुझे लगा था खाना नहीं होगा। टिकट में खाना लिखा हुआ था, बोर्डिंग पास पे खाना नहीं लिखा था, तो एनीवे खाना आ गया, अच्छी बात ही है। देख लेते क्या है। वाटर बॉटल ये है, और एक मल्टीग्रेन कुकी, नाइस। लो जी भाई लैंड कर गए वनक्कम चेन्नई। क्या भयानक विंड ब्लास्ट है। एयरपोर्ट पे आ गए, बहुत खूबसूरत सा एयरपोर्ट बना। अब यहाँ पे हम लोगों को तमिल सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड आप किसी भी लैंग्वेज में ये सीखते हो, मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, को कैसे बोले। लगेज ले लिया अपना, और एक वर्ड सीखा है तमिल तेरियाकी इंग्लिश, मतलब मेरे को तमिल नहीं आती, इंग्लिश में बात करिए। इससे मेरे को लग रहा है 6 दिन अपने निकालना इजी रहेगा। चेन्नई एयरपोर्ट अच्छा बना रखा है ना, वेरी नाइस एयरपोर्ट। लेट्स हेड आउट गेट आर ऊबर। ऊबर में भी आज 8-9 महीने बाद बैठूंगा। बहुत भाई ह्यूमिड है यहाँ पे, जैकेट उतारनी पड़ेगी फटाफट। वन्नकम हॉट एंड ह्यूमिड एंड स्वेटी चेन्नई। बहुत गर्मी है भाई, 9 महीने बाद फ्लाइट, 9 महीने बाद ऊबर, बैंड बज गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और बताइएगा और क्या क्या चीज़ें देखनी है। आराम से चिल करता हूँ, होटल पहुँचता हूँ, एक शावर लेता हूँ, बहुत गर्मी है दिसंबर के टाइम में। और आप लोगों से बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बने रहिए। या तो मंडे को डलेगी वीडियो या फ्राइडे को डलेगी। मंडे फ्राइडे वीडियो आती रहती है, इन्जॉय करते रहिए।